हेलो सर। ओके, क्या दिक्कत है आपको? मिस्टर, आपको यकीन है कि आप सही जगह आए हैं? मैं बता दूं, ये एक एक्सक्लूसिव होटल है। क्या बेहुदा सवाल है? मैं जानता हूं मैं कहां हूं। मुझे यहां एक रूम बुक करना है। मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। लेकिन क्यों? बस नहीं दे सकता। सर, आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकते। नहीं 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 नहीं, अंदर नहीं जा सकते आप। अब तो ये दरवाजे आपके लिए बिल्कुल बंद है। ऐसा बर्ताव हम बर्दाश्त नहीं करेंगे यहाँ। मुझे तुम्हारे मैनेजर से बात करनी है अभी। लेकिन मैं अपनी जगह से हिल नहीं सकता। ये बात है, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं? ये रहा वो, यही है वो रेसिस्ट। इसी ने मुझे अंदर जाने से रोका क्योंकि मैं ब्राउन हूँ। सर, क्या ये सच है? आपने इन्हें होटल के अंदर क्यों नहीं आने दिया? जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो बस इस होटल की सिक्योरिटी का ध्यान रख रहा था। What? जरा देखो मुझे, क्या मैं इस होटल के लिए खतरा लगता हूँ? रुकिए, अभी समझाता हूँ। देखिए, इसलिए मैंने इनको अंदर नहीं आने दिया। ये आदमी बार बार हमारे होटल से महंगी चीजें चुराता है, रूम रिजर्व करता है, चेक इन करता है और बिल भरे बिना गायब हो जाता है, सारे टॉवल्स और रोब्स वगैरह लेकर। मैं इसकी तरह बिल्कुल नहीं दिखता। क्या सारे इंडियंस तुम्हारे लिए विलन्स और चोर उचक्के हैं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। और आप इतने परेशान क्यों हैं जब आपने कुछ किया नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? ओके सर, शांत हो जाइए, बात को आगे मत बढ़ाइए। जाहिर है ये वो चोर नहीं है जिनकी फोटो आप दिखा रहे हैं। ओके सर, जैसा आप कहें, मैं तो अपना काम कर रहा था। हमारे बिजनेस में थोड़ा ज्यादा ही केयरफुल रहना पड़ता है। पता है, मुझे रेसिस्ट लोगों से नफरत है। ये होटल मेरे एरिया में आता है, इसलिए मैं अपनी पैनी नजर तुम पर रखूंगा। एक भी गलती की तुमने तो फिर मेरे हाथों से बचना नामुमकिन होगा, इसलिए ध्यान रखना। यस माय डियर, वो आ चुके हैं। हैव अ ग्रेट इवनिंग मैडम। हम लोग जरूर मिलेंगे जब मैं स्टोर से लौट आऊंगी। हाँ ठीक है, मिलते हैं जल्दी। चलो बाय। आपने मेरा वॉलेट देखा क्या? नहीं, मैंने तो यहाँ कुछ भी नहीं देखा। मैंने शायद यहीं कहीं गिराया था। ने मेरा वॉलेट चुराया है और चोर इसी होटल से है। क्या आपको पूरा यकीन है कि आपका वॉलेट हमारे होटल में ही चोरी हुआ है? आपने उसे कहीं और तो नहीं खो दिया? ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तो मैं होटल से कहीं बाहर ही नहीं निकली। बाहर जाने का तो वक्त ही नहीं था मेरे पास। किसी ने यहाँ से मेरे इस पर्स से वॉलेट को चुराया है, वो चोर यही था। देखिए मैम, ठंडी दिमाग से काम लेती हैं, ऐसे ही किसी डिसीजन पर नहीं पहुँचते। लेकिन मैं, हमारा स्टाफ मदद करेगा आपकी कमरे की तलाशी लेने में। अगर कोई शक करने लायक चीज मिलती है तो आपको खबर कर दी जाएगी इमीडिएटली। ठीक है, उम्मीद है आप इस सिचुएशन को सुलझा लेंगे, वरना मुझे यहाँ पुलिस को बुलाना पड़ेगा। क्या मुसीबत है, अब क्या किया जाए? फिकर मत करो, मुझे अच्छे से पता है इसके पीछे कौन है। सच में कौन? हेलो सर, आज सुबह हमारे बीच थोड़ी कहासुनी हो गई थी, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? मुझे खुशी है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। खैर, आज सुबह जो भी हुआ उसके बदले मैं ये अमेजिंग सेंटेड बाथ सॉल्ट्स लाया हूँ। पानी में 250 ग्राम ये डालिए, फिर ऑयल की कुछ बूंदे डालिए और सोने से पहले नहाने का पूरा मजा लीजिए। मेरा भी आज आराम करने का बहुत दिल कर रहा है। जी आपको मजा आएगा, मेरा यकीन मानिए। मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। वो यहाँ है, प्लीज इधर आइए, प्लीज इसकी तलाशी लीजिए, यही चोर है।
अरे ये हो क्या रहा है सर? आप पर चोरी का इल्जाम लगा है, आपकी तलाशी लेनी पड़ेगी। नहीं, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। मैम ये वॉलेट आपका है। ओह हाँ, यही तो है। क्या बात है, तुम ही हो वो चोर। ऑफिसर्स इंतजार किस बात का, गिरफ्तार कीजिए इसे। रुको रुको, रहने दो, हथकड़ी की जरूरत क्या? पर इसी ने तो आपका वॉलेट चुराया। अगर जेल किसी को जाना चाहिए तो वो हो तुम। एक्सक्यूज मी ऑफिसर्स, पर मेरा वॉलेट किसी ने चुराया नहीं, वो तो बस मेरे पर्स से निकलकर गिर गया था इस चालबाज रेसिस्ट के सामने। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मिसेज डोनोवान? केली डोनोवान, हाँ, टॉम डोनोवान की बीवी जो इस होटल के मालिक हैं। उन्होंने मुझे ऑपरेशंस का इंचार्ज बनाया है और वो चाहते हैं कि यहाँ का माहौल थोड़ा ठीक किया जाए। तो ये है अमर, मेरा बहुत पुराना दोस्त है, और ये एक एक्सपर्ट है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, और मैंने इसे हायर किया है इस होटल की सर्विस के स्टैंडर्ड को रिव्यू करने के लिए। मैं तो हैरान थी जब इसने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया कि तुमने इसे अंदर आने से रोका सिर्फ इसके रंग की वजह से। मिसेस डोनोवान, ये आप क्या कह रही हैं? मेरा मतलब बस करो, तुम्हारी हरकतें तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारे बारे में बताती हैं। मुझे हमेशा से पता था कि तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में हैं, बस कभी किसी से मिली नहीं मैं। तुम जैसे लोग जो सिर्फ अपनी घटिया सोच को साबित करने में लगे रहते हैं। मुझे मेरा वॉलेट लौटाने की बजाय तुमने एक बेकसूर को फंसाने की कोशिश की, और वो भी सिर्फ उसके रंग की वजह से। पर अब किस्सा खत्म। मेरा पहला फैसला होगा इस होटल को सुधारने के लिए तुम्हें नौकरी से निकालना। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब तो देर हो गई, और ये लास्ट वार्निंग है पूरे स्टाफ के लिए। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी हमारे होटल में किसी भी तरह का भेदभाव। सभी लोग इक्वल हैं और उन्हें वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए। समझ में आया? मैंने चेतावनी दी थी। मैं चलती हूँ। ये है एक लीडर, इस होटल का फ्यूचर ब्राइट है। हाँ, मुझे भी यही लगता है।